दोस्त गुड मॉर्निंग। अभी देखिए 8 बज रहा है सुबह, लेकिन ये हम लोग कजमान बाजार एरिया बंगाल का पूरे जिला वो ऐसा देखिए पूरा चारों तरफ 10-15 फुट देखा जा रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं, इसलिए सब गाड़ी पर लाइट इंडिकेटर जलाना है, नहीं तो दूसरे साइड से घुस आएगा, देखा है नहीं देगा। हर हर महादेव। सुबह गाड़ी को साफ कर लिया, निकल गया लोडिंग में। ये देखिए बोरा बाजार बलरामपुर रोड, इधर हम लोड करने जा रहा है, इधर भी एक ही कंडीशन है, किसी को पता नहीं जो अभी 8-9 बज रहा है। देखिए अभी कैरेट लोड हो रहा है, उसके बाद टमाटर हो रहा होगा इसमें। बस ये मैं हम लोग का पुरुला के आसपास ऐसा गुड़ बनाता है, मतलब ये मीठा चीज़ है। अभी एक मेरा दोस्त है दुर्गापुर, उसको पहुंचा दूंगा। तो उन लोग का कैंप बहुत अच्छा है, तो हम देखने का टाइम नहीं मिला, तो दूसरा दिन दिखा दूंगा कैसे कैसे कैंप बना, तो लोग बाहर से अगर बनाता है। तो दोस्त अभी रात 10 बज रहा है, हम दुर्गापुर पार कर पानागढ़ भी पार कर बुधबुद, यहाँ पर 6 लाइन का काम चल रहा है, इसीलिए आगे में सिर्फ 2 लाइन है, इसलिए जो तीनों लाइन देख रहा है 2 लाइन में जॉइंट हो रहा है, इसलिए तो जाम हो रहा है आगे, इसलिए धीरे धीरे उधर से 2 गाड़ी घुस रहा है और इधर से जो एक बचा हुआ है उसके लिए जाम हो रहा है, तो 5-10 मिनट लेट होगा, यहाँ के लिए 1 घंटा लेट होता है, तो इसीलिए जाम पर पड़ा है। अभी ऐसा काम हो रहा है, 1-2 महीना लगेगा काम करने। तो मेरा थोड़ा लोड हो गया क्योंकि आज मेरा दुर्गापुर में 12 बजे तो हैप्पी न्यू ईयर का करना था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का बहुत तो दोस्त है, गाड़ी की मालिक है, ड्राइवर है, तो यहाँ पर मेरे को उन लोग इन्वाइट किया था आने के लिए, और आज इधर हम ट्रिप भी आया था, लेकिन हमें जाम के लिए आज 12 बजे नहीं घुसने पाएगा, हम रोड पर हैप्पी न्यू ईयर बनाएगा, लेकिन उन लोग के साथ भेंट होगा। ये जाम नहीं होता तो उन लोग के साथ आज हो जाता था थोड़ा मस्ती, तो लेकिन नहीं हुआ। तो दोस्त हम अभी पानागढ़ घुस रहे हो खाली कर, मेरा 11 बजे आना था, अभी आ रहा 2:45, मतलब बहुत देर हो गया, उधर समझ जो सब प्रोग्राम किया था हैप्पी न्यू ईयर वही सब कर लिया, मेरा लेट हुआ इसलिए उन लोग के साथ में नहीं उस करने पाया, तो अभी जा रहे हैं उन लोग के साथ भेंट करेंगे, नहीं तो बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कल से बोला आएगा, तो मेरा भी मन नहीं मर रहा, लेकिन क्या करेगा, गाड़ी जितना जाएगा ऐसे जाएगा ना। तो दोस्त
आज सुबह सुबह दुर्गापुर में पूरा पहला जाना पूरा एंजॉय कर लिया और तो देखा है, हम दिखाया आप लोग को। अभी हम घर जा रहे हैं, अभी दुर्गापुर बैरेज है, यहाँ पर पहला जाने बहुत आदमी आता है क्योंकि पिकनिक मनाता है, अभी कोई घूमने आता है माइंड फ्रेश, क्योंकि आज तो सब कुछ छुट्टी रहता है ना। तो देखिए दाहिने तरफ बैरेज का साइड जाना है, रास्ता है वहाँ पर, एगो शमशान है, शमशान वहाँ पर मंदिर भाग रहा है, बैठने के जगह इसलिए उधर जा रहे हैं सब। तो ये पानी अब मेन वाला बैरेज आगे है, बोर्ड का आगे। तो दोस्त गुड इवनिंग, लगता है कल से हम ज़्यादा व्लॉग दिखाने नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग का जो अब 2024 में ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर का हम लोग को काला वो आई कानून निकला है, जो एक्सीडेंट होने का 10 साल जेल और 7 लाख जुर्माना, तो इस तो हम लोग के देने का औकात नहीं है, तो इसलिए सरकार के नियम नहीं मान पाएगा, इसलिए हम लोग सब बंद कर देंगे। इसके बाद सरकार वो दूसरा वो सिस्टम हटाएगा कानून, तो हम लोग सोचेगा क्या करेगा। और सही बात है, बोलिए हम लोग का ऐसा कर देगा कानून तो हम लोग का तो भविष्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सरकार पता नहीं क्या डिसीजन लेकर फैसला लिया, हम लोग को तो इतना पता नहीं है देखिए क्या हो रहा है। दुर्गापुर बैरेज आज पला जाने करना, भीड़ देखिए इधर बाएं तरफ सब पिकनिक बना रहा है और नदियाँ जो देखा है सब पिकनिक बना रहा है, और अभी रोड इसलिए जाम है थोड़ा। हम अभी बांकुड़ा पहुंच गया, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, पूरा सजाया है पूरा साइड, क्योंकि आज 1 जनवरी है।